नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान फिटनेस योगधारा में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये हमारा जिम है। 1999 से मैं इस जिम में एक्सरसाइज कर रहा हूं। ये ओलंपिक जिम हमारे मंडोली गांव का सबसे बेस्ट जिम है। जब यहाँ कोई जिम नहीं होता था तो तब से ये जिम है, और ये हमारे दोस्त मिस्टर पवन शर्मा जी का जिम है। चलिए, आज मैं आपको चेस्ट के लिए करने वाली सारी एक्सरसाइजें बताने वाला हूँ। आप जब भी जिम में आते होंगे तो आप सोचते होंगे कि यार क्या करूँ मैं। तो दोस्तों, आप जब भी जिम में आए तो चेस्ट का वर्कआउट जिस दिन आपको करना होगा, तो जो एक्सरसाइज अभी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, आप वो सारी एक्सरसाइज अपने चेस्ट मसल्स को डेवलप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे ही आप जिम में आते हैं तो आपको किस तरीके से वर्कआउट की शुरुआत करनी है और कौन कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आइए तो सबसे पहले शुरू करते हैं वार्म अप। ठीक है, थोड़ा सा हम वॉक करेंगे करीब 1 से 2 या 3 मिनट वॉक करेंगे। उसके बाद हम जंप करेंगे। 100, 150 जंप कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा 30-40 बार जंपिंग जैक करेंगे। अलग अलग मूवमेंट कर सकते हैं। ट्विस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये एक्सरसाइज आपको करीब 5 से 6 मिनट करनी है। थोड़ा सा फॉरवर्ड बैंडिंग करेंगे, बैक बैंडिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे अच्छे से, ताकि हमारी मसल्स एक्टिव हो जाए, वेट उठाने के लिए तैयार हो जाए। लेफ्ट हैंड बैंडिंग कर लेंगे 10 से 20 बार। कर लेंगे। कलाइयों का अच्छे से वार्म अप करने के बाद शोल्डर की स्ट्रेचिंग कर लेंगे अच्छे से, सामने से पहले, फिर ऊपर से। अब अगला अभ्यास हम करेंगे स्टैंडर्ड पुशअप। तो दोस्तों, स्टैंडर्ड पुशअप के हम 20 के 4 सेट करेंगे। अगर आप 20 रेप्स नहीं निकाल सकते हैं तो जितने भी आप रेप्स निकालते हैं तो तकरीबन 40 से 50 पुशअप आप कर लेंगे, जिससे आपकी बॉडी एकदम तैयार हो जाए वेट उठाने के लिए। पुशअप करते समय आपकी एल्बो अंदर की तरफ हो। तो 20 रेप्स के 4 सेट्स कंप्लीट करने के बाद फिर हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, वेट ट्रेनिंग की तरफ बढ़ेंगे हम। तो दोस्तों, पहले हम करेंगे फ्लैट बेंच। फ्लैट बेंच के हमें 4 सेट करने हैं। हर सेट के अंदर आपको 15, फिर 12, फिर 10 और फिर 8 रेपिटेशन करने हैं। तो इस तरीके से हम 15, 12, 10, 8 के रेपिटेशन करते हुए 4 सेट कंप्लीट करेंगे। वेट हर सेट में इंक्रीज करते जाएंगे अपनी क्षमता के अनुसार। कोई पार्टनर या कोई हेल्पर आपके नज़दीक ज़रूर हो। वेट उतना ही उठाए जितना आप आराम से कैरी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लैट बेंच। तो मैं आपको बता दूं, 4 सेट फ्लैट बेंच के करने हैं। 15 पहले सेट में, दूसरे में 12 रैप, तीसरे में 10 रैप और फोर्थ सेट में 8 रैप्स हम निकालेंगे। दोस्तों, वेट हर सेट में इंक्रीज करना है अपनी क्षमता अनुसार। जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतना वेट आप हर सेट में बढ़ा देंगे। सेकंड एक्सरसाइज जो हमें करनी है वो है इंक्लाइन बेंच। इंक्लाइन बेंच के भी हमें 3 सेट करने हैं। सेट आपको डिवाइड करने हैं 15 रेपिटेशन, 12 रेपिटेशन और 10 रेपिटेशन के हिसाब से। 15, 12, 10 3 सेट करने हैं। हर सेट में वेट थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। वेट वही जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना ही करना है। कोई पार्टनर या हेल्पर आपके पास होना चाहिए वेट को उठाते समय कि ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। कलाई आपकी बिल्कुल सीधी रहे करते समय। इंक्लाइन बेंच के 3 सेट 15, 12, 10 रेपिटेशन वेट बढ़ाते हुए करने के बाद अब हम चलेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज डिंक्लाइन बेंच की तरफ। चलिए चलते हैं। डिंक्लाइन बेंच के भी हमें 3 सेट करने हैं, वही 15, 12, 10 की रेपिटेशन के साथ करने हैं और वेट हर सेट में हम थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। मान लो हमने पहला सेट किया 15 का 10 केजी से, तो दूसरे सेट में हम 12.5 या 15 केजी अगर हम बढ़ाएंगे, उतना ही वेट बढ़ाएंगे कि जिससे हम अपने दूसरे सेट के 12 रैप निकाल सकें। चलिए करते हैं स्टार्ट। डिक्लाइन बेंच के भी 3 सेट करने हैं 15, 12, 10 रेपिटेशन वेट बढ़ाते हुए। चलिए अगली एक्सरसाइज की तरफ अब हम चलते हैं। तो अगली एक्सरसाइज है हमारी बटरफ्लाई। तो दोस्तों बटरफ्लाई के भी हम 3 सेट करेंगे 15, 12, 10 की रेपिटेशन के साथ करेंगे। वेट अपनी क्षमता के हिसाब से बढ़ाते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बटरफ्लाई। पीठ को बैक सीट से पूरा टच कर लेंगे। पूरा फोकस अपने चेस्ट मसल्स पे रहेगा। गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, गर्दन पे प्रेशर ना आए, पूरा फोकस के साथ। एक बार फिर मैं बता दूं आपको, बटरफ्लाई के भी 3 सेट करने हैं 15, 12, 10 वेट बढ़ाते हुए। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी आखिरी एक्सरसाइज, चेस्ट वर्कआउट की आखिरी एक्सरसाइज पुलोवर की तरफ। तो आइए अगली एक्सरसाइज पुलोवर। अब हम अपनी अंतिम एक्सरसाइज पुलोवर स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों पुलोवर हम डंबल से भी कर सकते हैं, जिगजैग रोड से भी कर सकते हैं और ये बॉक्स रोड होती है इससे भी कर सकते हैं। मुझे ये बॉक्स रोड बेहद पसंद है तो मैं इसी से ही करूँगा। आइए स्टार्ट करेंगे। पुलोवर के भी 3 सेट करने हैं 15, 12, 10 और वेट बढ़ाते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही हमारा चेस्ट डे का वर्कआउट कंप्लीट होता है। हमने टोटल 6 एक्सरसाइज करी, 1 पुशअप और 5 एक्सरसाइज वेट के साथ करी। तो दोस्तों अगली बॉडी पार्ट के लिए आप तैयार रहिए। मेरे साथ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल ताकि आपको मेरी वीडियो तुरंत मिल जाए। शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो। बाय बाय, नमस्ते।